दोस्तों, अगर आप रिसेंटली मार्केट में निकले हो कोई सस्ता ईयरफोन जो कि ऑडियो कॉल्स के लिए बहुत अच्छा हो और जो कॉल्स के लिए बहुत अच्छा हो और कैजुअल म्यूजिक लिसनिंग, जैसे कि आप कम्यूट करते वक्त गाने सुन रहे हो, इस तरह के कामों के लिए जो बहुत अच्छा हो और बजट में भी आता हो, टाइट बजट में आता हो, तो मैंने रिसेंटली अभी 500 रुपये के अंदर एक ईयरफोन्स खरीदे और मैं उनकी साउंड क्वालिटी से काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ और आज की वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य और आज बात करेंगे साउंड मैजिक ES18S स्मार्टफोन्स के बारे में। तो बेसिकली ये है बॉक्स और बॉक्स में एक छोटा सा विंडो कटआउट है जहां से आप ईयरफोन्स देख सकते हो। पेपर बॉक्स है, कुछ खास इम्प्रेसिंग इसमें है नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। यहाँ पे ग्राफिक है, इधर विंडो कटआउट है जहां से आप ईयरफोन्स देख सकते हो और मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ क्योंकि सिंपल मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। बॉक्स में तीन सील हैं, तीनों सील खोल देते हैं तो आपको इनबॉक्स कंटेंट के बारे में बताता हूँ। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ईयरफोन्स जिनमें मीडियम ईयर टिप पहले से लगा हुआ है और एक्स्ट्रा सिलिकन ईयर टिप्स हैं यहाँ पे डिफरेंट साइजेस की और एक कैरिंग पाउच है इसके साथ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैरिंग पाउच की, क्योंकि इतने सस्ते ईयरफोन्स में 500 रुपये के आसपास के ईयरफोन्स में कैरिंग पाउच जनरली आपको नहीं मिलता है। तो कैरिंग पाउच एक बहुत अच्छी चीज़ है जो साउंड मैजिक आपको इस ईयरफोन्स के साथ दे रहा है, क्योंकि कैरिंग पाउच से कन्वीनियंस ये होता है कि आप जनरली अपने ईयरफोन्स को कॉइल करके रख देते हो, अगर बैग वगैरह या पॉकेट के अंदर सीधे डाल देते हो तो वहाँ पे वायर्स का डैमेज होने का बहुत खतरा होता है। जनरली लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका एक लेफ्ट साइड ईयरफोन या राइट साइड ईयरफोन काम करना बंद कर देता है। तो जनरली ये इसीलिए होता है क्योंकि हम जब पॉकेट में उसे डाल रहे होते हैं, बैग में उसे डाल रहे होते हैं या फिर ईयरफोन को बाहर निकाल रहे होते हैं, उस वक्त तार कहीं फंस के खिंच जाता है और उस वजह से वो पर्टिकुलर ईयरपीस काम करना बंद कर देता है। तो बैग जो कैरिंग केस दिया है, कैरिंग केस का फायदा ये होता है कि इसके अंदर आप अपने ईयरफोन को कॉइल करके डाल दो और फिर उसे बैग या पॉकेट कहीं पर भी डाल दो तो वो वायर के खिंचने का खतरा नहीं होगा और ईयरफोन्स की लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये एक वेलकम एडिशन है जो साउंड मैजिक यहाँ पे देता है। कैरिंग पाउच की जहाँ तक बात करें, अगर कैरिंग पाउच की क्वालिटी की तो काफ़ी ठीक ठाक सा है, फॉक्स लेदर है और पुल मैकेनिज्म से बंद होता है, ओपन होता है। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की ईयरफोन्स की, तो ईयरफोन्स की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सिंपल सी है। रेड कलर का मैंने यहाँ पे कई सारे कलर वेरियंट्स अवेलेबल हैं, ब्लू, रेड और ब्लैक है शायद, तो मैंने रेड कलर का लिया और रेड कलर काफ़ी इंप्रेसिव है। वायर का कलर रेड है और बाकी जो ब्लैक है डिज़ाइन, यहाँ पे ब्लैक हाउसिंग है और उस पर छोटा सा रेड एक्सेंट है, तो वो एक वेलकम टच है। और जब ईयरफोन्स की बिल्ड की बात कर रहे हैं तो वायर जो है वो टैंगल फ्री है और सिंगल बटन रिमोट है, यहाँ पे इनलाइन रिमोट कंट्रोल है और सिंगल बटन वाला है, मतलब माइक के अलावा आपको एक सिंगल बटन मिलेगा जिससे आप अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो, या तो प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो या फिर कॉल्स को आंसर कर सकते हो या डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सिंपल है, टैंगल फ्री केबल्स हैं, आपस में उलझेंगी नहीं, पर केबल्स ब्रेडेड नहीं है। अगर आप इससे थोड़े महंगे ईयरफोन्स लेते हो, इससे थोड़े अच्छे ईयरफोन्स लेते हो तो केबल के ऊपर ब्रेडिंग होती है, कपड़े की या किसी चीज़ की ब्रेडिंग होती है कि जिससे वो जो टच करने में केबल काफ़ी अच्छी लगती है और केबल की लॉन्जेविटी, जो केबल की लाइफ है, मोड़ने से वो टूटेगी नहीं और जल्दी नहीं ख़राब होगी, वो लाइफ बढ़ जाती है उसकी, तो लॉन्जेविटी बढ़ जाती है बेसिकली ब्रेडेड से। तो केबल ब्रेडेड नहीं है पर टैंगल फ्री है, मतलब आपस में उलझेगी नहीं, तो दैट्स अ वेलकम थिंग। बाकी बिल्ड में कुछ खास है नहीं, प्लास्टिक बिल्ड है, हाउसिंग काफ़ी स्टर्डी है और एक अच्छी चीज़ है, इन्होंने कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि ये ईयरफोन्स सस्ते हैं या ऐसा कुछ, क्योंकि कहीं पे भी कोई रफ एजेस नहीं है, बहुत ही स्मूथ डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छा है। मैंने 2-4 घंटे इन्हें इस्तेमाल करके देखा था और अब बात करते हैं फिट एंड फिनिश की, तो मैंने 2-4 घंटे इसे इस्तेमाल करके देखा था और इसका जो सिलिकन ईयर टिप, इसके साथ मीडियम साइज का ईयर टिप पहले से इंस्टॉल्ड मिलता है आपको, तो जो इसका फिट है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो ईयरफोन्स के बारे में जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि ईयरफोन्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो आप एक बार देख लो, क्योंकि इस रिव्यू के अंदर मैं ऐसे बहुत सारे टर्म्स यूज़ करने वाला हूँ जो उस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था, लिंक ऊपर है, आप एक बार जाके देख सकते हो, उसके बाद ये रिव्यू दोबारा देख सकते हो। तो इसका फिट काफ़ी अच्छा है एक बार, और इस तरह की ईयरफोन जो आपके फ़ोन कान के अंदर जाके फिट होते हैं उनमें फ़िट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली सील नहीं करेंगे आपके कान में तो बाहर का, एक तो जो बाहर का नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर आएगा और दूसरा जो
ईयरफोन्स खुद एक म्यूजिक पंप कर रहे हैं आपके कानों में, वो काफी लीक होगा, तो जो साउंड क्वालिटी आप एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे होंगे वो उतनी अच्छी नहीं आएगी जितना आपके ईयरफोन्स एक्चुअली डिलीवर कर सकते हैं। और दूसरा, बैकग्राउंड नॉइज जो है वो बहुत ज्यादा आएगा। तो फिट होना काफी इंपॉर्टेंट है, पर फिट के साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं ये इतने ज्यादा टाइट फिट ना हो जाए कि आपको हर 5 मिनट में ईयरफोन्स बाहर निकालने पड़ रहे हैं, आपके कानों में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ। तो इसीलिए कंपनी वेरिएबल साइज की, डिफरेंट साइज की ये सिलिकॉन ईयर टिप्स देते हैं। तो आप, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप तीनों ईयर टिप्स लगा के देखो, अपने कान में इसे लगा के देखो, और उसके बाद देखो कि कौन से वाले आपके लिए परफेक्ट फिट है। जहां तक मैं वेयरिंग कंफर्ट की बात करता हूं, तो ये 14 ग्राम की ईयरफोन्स है, और 14 ग्राम दोस्तों नेग्लिजिबल होता है, मतलब कुछ नहीं। मैंने जितने टाइम इन्हें पहन के रखा, जितने टाइम मैंने इन्हें लगा के रखा था, काफ़ी हल्के हैं, काफ़ी लाइट वेट है, आपको ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि आपके कान में आपने कुछ लगा रखा है। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, साउंड परफॉर्मेंस। तो जो ड्राइवर का साइज़ है वो 10 mm का ड्राइवर है इसमें, मतलब स्पीकर काफ़ी, इसके साइज़ के हिसाब से स्पीकर काफ़ी बड़े हैं इसमें। और दूसरा, मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया वो ये है कि इसका लोज का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, मतलब जो बेस का रिस्पांस आपको मिलेगा वो काफ़ी अच्छा है, मिड्स का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, जो वॉइस क्वालिटी आपको मिलेगी इसके अंदर से वो काफ़ी अच्छी है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि कॉल्स के लिए काफ़ी अच्छे होंगे, और कैजुअल लिसनिंग में हम ज़्यादातर लोज और मिड्स पर ही फोकस करते हैं, मतलब आप बेस की जो थंप होती है उस पर फोकस कर रहे होते हैं, और जो सिंगर गा रहा है उस पर फोकस कर रहे होते हैं। हाइज़ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में सुनेंगे, अगर 80-90% वॉल्यूम के आसपास सुनेंगे, तो आपको हाइज थोड़े हार्श लगेंगे, ऐसा चुभे सा, जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होंगे वो कान में थोड़ा चुभ सकते हैं। तो और जहाँ तक लाउडनेस की बात है, लाउडनेस 100 dB सेंसिटिविटी है, 100 डेसिबल्स की सेंसिटिविटी है, मतलब काफ़ी लाउड है ये, पर कई सारे ईयरफोन्स इसी प्राइस रेंज में 105 डेसिबल्स तक भी जाते हैं, तो काफ़ी लाउड हैं, रेगुलर लिसनिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं, पर इतने भी ज़्यादा लाउड नहीं कि बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है, काफ़ी लाउड है, एडिक्वेट है। 16 ओम्स का इम्पीडेंस है, मतलब कि इन्हें ड्राइव करना बहुत आसान है, आप किसी भी फोन्स के साथ इन्हें, किसी भी फ़ोन के साथ इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ वन मोर के पिस्टन ईयरफोन्स के साथ, तो पिस्टन 32 ओम्स का इम्पीडेंस ऑफर करते हैं, जिससे ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, और बेसिकली पावर कंजम्पशन, टेक्निकली पावर कंजम्पशन कम होना चाहिए इसके साथ, क्योंकि ये सिर्फ 16 ओम का इम्पीडेंस ऑफर करते हैं, तो ज़्यादा देर तक आप म्यूज़िक सुन सकते हैं इन ईयरफोन्स पे। मैंने क्यों कहा था कि आप कम्यूट करते वक्त अगर गाना सुनते हैं तो ये लेना चाहिए, या फिर अगर आप कॉस्ट ज़्यादा करते हैं तो ये लेना चाहिए, क्योंकि इसका मिड्स और लोज का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे ईयरफोन्स एक्सपीरियंस किए हैं, और ये आज तक का मेरा सबसे सस्ता ईयरफोन जो मैंने ख़रीदा है। मैंने 500 रुपये में हेडफोन जोन से इसे ऑर्डर किया था, अभी वहाँ पर प्रेजेंटली 700 रुपये में अवेलेबल है, और इसलिए मैं पिस्टन के साथ इसे कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पिस्टन भी 700 रुपये के आसपास में अवेलेबल है, पर पिस्टन के ऊपर मैं इसे रेकमेंड करूंगा अगर आप कैजुअली गाने सुनते हैं, अगर आपको लोज और मिड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चाहिए। और इसका बेस जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव है, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर आपने सोनी के ईयरफोन्स कभी यूज़ किए हो तो उनका बेस काफ़ी शैलो सा होता है, ऐसा लगता है जैसे आपके कान में कोई हथौड़ा मार रहा हो। इनका जो बेस रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है, जो बेस का थंप होता है ना, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं बेस ट्यूब में, वैसा कुछ एक्सपीरियंस होगा आपको। तो इनका लोज और मिड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर आप कैजुअली गाने सुनते हैं, आप अगर आप स्ट्रीमिंग म्यूजिक सुनते हैं गाना वगैरह एप्लीकेशन के थ्रू, आप उन लोगों में से नहीं है जो आराम से बैठ के अपने घर के अंदर स्टूडियो मॉनिटर्स लगा के गानों को एंजॉय करते हैं, जैसे मैं कभी कभी करता हूँ, तो ये ईयरफोन्स काफ़ी अच्छे हैं। हैंड्स फ्री ऑपरेशंस के लिए अगर आपको वॉइस कॉल्स करनी है तो ये ईयरफोन्स काफ़ी अच्छे हैं। कैरिंग पाउच जो इसके साथ मिलता है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप कैनाल ईयरफोन्स ले रहे हैं तो फिट एंड फिनिश के लिए हमेशा सारी सिलिकॉन टिप्स ट्राई करिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ था इस ईयरफोन से, इसलिए मैं इसे रिव्यू कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप ऐसे रिव्यूज़ क्या चैनल में और देखना चाहते हैं, इस तरह के रिव्यूज़ को कैसे इम्प्रूव करें, इसके लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मतलब कि कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा जोर दूँ, कौन सी चीज़ों पे कम जोर दूँ। अनबॉक्सिंग अगर अलग से चाहते हैं, रिव्यूज़ से अलग अनबॉक्सिंग हो और रिव्यूज़ बाद में आए, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में चैनल में कोई स्पेसिफिक वीडियो देखना है, आप किसी सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी आपके कमेंट्स, सजेशंस हमेशा इनवाइटेड है, प्लीज़ कमेंट्स करिए, लाइक करिए अगर आपको मेरा काम पसंद है, लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देती है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को।
वीडियो को लाइक करिए अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब मैं वीडियो अपलोड करूँ, कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, तो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।